ऑल राइट, तो IQ Z6 5G आज ऑफिशियली इंडिया पे लॉन्च हो गया। सबको पता है, आपको भी पता होगा, ये फोन वीवो T1 5G का रिब्रांडेड है। अब IQ का फोन हमेशा जो है इंडिया पे गेमिंग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, क्या ये फोन यानी IQ Z6 5G को खरीदना चाहिए या फिर इससे भी कोई बेहतर फोन मार्केट में अवेलेबल है? आज इस वीडियो में इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। IQ Z6 5G इसका जो बेस्ट वेरियंट है 4GB 128GB, उसका प्राइस रखा है 16,000। अभी फिलहाल कुछ डिस्काउंट वगैरह दिया जा रहा है, बट एक्चुअल प्राइस 16,000 रखा है। अब यहाँ पर 16,000 में और भी बहुत सारा ब्रांड का आपको 5G फोन इंडिया पे मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं कौन सा फोन बेस्ट निकल के आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले IQ Z6 5G में 16,000 में जो चिपसेट मिलता है वो है क्वेलकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट। अब ये वाला चिपसेट 5G चिपसेट है, यहाँ पर आप गेम खेल सकते हैं, नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, बट हैवी गेमिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहला फोन निकल के आता है, IQ का फोन गेमिंग के लिए जाना जाता है, बट यहाँ पर हैवी गेमिंग आप नहीं कर सकते। साथ में दोस्तों यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा बैक साइड में मिलता है। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, बाकी जो दो सेंसर दिया गया है वो कुछ काम का नहीं है, सिर्फ आपको 50 मेगापिक्सल का काम का मिल रहा है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नोच वाला डिस्प्ले दे रहा है। अब यहाँ पर अगर आप 16,000 में देखेंगे तो मार्केट में जितना सारा 5G फोन है ज़्यादातर फोन में आपको जो है पंच होल देखने को मिलता है, बट ये फोन आता है वाटर ड्रॉप नोच के साथ, FHD+ रेजोल्यूशन है, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है 5G के साथ, बट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इस फोन से भाई पंच होल हटा ही दे। पंच होल के साथ अगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देता तो इस फोन का एक प्लस पॉइंट हम लोग कह सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर इस फोन में जो रैम और इंटरनल स्टोरेज यूज किया गया है उसका क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। LPDDR4X रैम और यहाँ पर UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है। अगर आप IQ Z5 या फिर Z3 में देखेंगे तो वहां पर भाई फ्लैगशिप लेवल का फीचर्स है। IQ Z6 एक सक्सेसर है जहां पर उससे भी डाउनग्रेडेड फीचर्स दिया गया है। 5000mAh का बैटरी दिया गया है जो कि ठीक है, बट यहां पर फास्ट चार्जिंग, अगर आप IQ Z3 देखेंगे जो कि पुराना हो चुका है, अभी भी वहां पर बहुत ही धमाकेदार फास्ट चार्जिंग दिया जा रहा है, बट इस फोन में 18W का नॉर्मल चार्जर दिया जा रहा है जो कि 10,000 के अंदर भी हमें अभी मिल जाता है। तो यहां पर भी मुझे कमियां देखने को मिला। अब क्वेश्चन आता है, क्या इससे भी बेहतर कोई मोबाइल मार्केट में है? जी हाँ, जरूर है, जो है पोको की तरफ से POCO M4 Pro 5G, जहां पर मिलता है आपको MediaTek Dimensity 810 पावरफुल गेमिंग चिपसेट, जहां पर 5G और साथ में गेमिंग भी आप कर सकते हैं काफी अच्छा। अब दोस्तों इस फोन में जो पोको का फोन है वहां पर 33W का फास्ट चार्जिंग मिलता है और साथ में 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वहां पर अल्ट्रा व्हाइट एंगल लेंस भी आपको मिल जाता है। और फोन का प्राइस कितना है? 15,000। तो 15,000 में अगर बेस्ट मोबाइल हमें मिल रहा है तो क्यों मैं IQ Z6 5G को खरीद? तो सबसे पहली बात, यह फोन IQ Z3 और IQ Z5 का सक्सेसर नहीं है, यह फोन डाउनग्रेडेड फोन है। और दूसरी बात, इससे भी बेहतर फोन मार्केट में है POCO M4 Pro 5G, उसको आप खरीदो, इसको छोड़ो। तो गाइस मेरा ये होनेस्ट ओपिनियन था, कैसा लगा मेरा होनेस्ट ओपिनियन कमेंट में बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड टेक केयर।